हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि सिंस फ्रॉम लॉन्ग टाइम वी आर अपलोडिंग नंबर ऑफ हाइड्रोपोनिक फॉडर वीडियोस ऑन यूट्यूब। वो वीडियो हम लोग डालने से क्या हुआ, बहुत सा अवेयरनेस बढ़ रहा है लोगों में, बहुत से लोगों ने प्रैक्टिस चालू किया है और जब वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ इश्यूज आते। सो वो उनके इश्यूज हमें थ्रू यूट्यूब कमेंट्स या कोई ईमेल करता है, कोई कॉल करता है, तो इस तरीके से वो हमें लिंक्ड होते और हम कुछ महीनों से यही कर रहे हैं कि जिसको कुछ इश्यूज आ रहा है जो यहाँ पे नहीं आ सकते तो वी ट्राई टू सॉल्व देम थ्रू यूट्यूब वीडियोस। तो हमने लास्ट टाइम एक वीडियो बनाया था कि कोई फॉडर को स्मेल क्यों आता है, तो वो हमने उसमें बताया था कि उसमें कुछ पैरामीटर्स आपको कंट्रोल करना है। वो पैरामीटर्स अगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसमें और एक पैरामीटर हमने थोड़ा बताया था कि वो सोकिंग का है, जो आप सीड्स पानी में जो आप भिगाते हैं ना उसका टाइमिंग, और बाकी के भी दो तीन पैरामीटर्स वो इम्पॉर्टेंट है, तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। पर जब आप वो जो सीड्स है ट्रे पे डालते हैं ना, तब वो आगे जाके प्रोसीजर होता है कि वो स्प्राउटिंग होता है, पर उसके पहले एक इनिशियल स्टेज होता है, आपको वो स्प्राउट करना पड़ता है सीड्स को आफ्टर सोकिंग। तो ये स्प्राउटिंग के टाइम लोगों का सवाल आता है कि जब हम उसको स्प्राउट करने की कोशिश करते हैं गनी बैग्स में या ट्रे पे, तो वो चिपचिपा हो जाता है, इट्स स्टिकी। तो वो पूछ रहे थे ये इसका रीज़न क्या है, ये स्टिकी क्यों हो जाता है, क्योंकि जिस वक्त वो स्टिकी हो जाता है तो उसी वक्त आपका जो सीड है ख़राब हो जाता है। अगर आप उसको प्रोसीड करेंगे वो चिपचिपा सीड लेके, तो वो आगे आपका वर्कआउट नहीं होगा, 100% आपका जो फॉडर है वो फेल हो जाएगा। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल कि वो सीड चिपचिपा नहीं होना चाहिए। तो उसके रीजन्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हाउ टू अवॉइड दैट स्टफ। तो आपको मैं दो तीन चीज़ बताऊँगा, वो आपको फॉलो करना है। पहला चीज़ जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपका सीड का क्वालिटी है वो अच्छा होना चाहिए, ब्रोकन सीड्स नहीं होना चाहिए। अगर ब्रोकन सीड्स अगर आप सोक कर रहे हो 12-14 घंटे के लिए, एक दिन के लिए, और जब वो सीड अगर आप गनी बैग्स में डालेंगे तो वो सड़ना चालू हो जाता है और सीड्स चिपचिपा हो जाता है, ठीक है। तो आपको अच्छा क्वालिटी का सीड लेना है। दूसरा पॉइंट है, मैंने आपको बोला था कि ओवर सोकिंग नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको टाइमिंग्स बताया है, 12-14 घंटा आपको मेज को सोक करना है, और वीट और बार्ली के केस में आपको 4-6 घंटा है, मैक्सिमम 8 घंटा आपको सोक करना है। ओवर सोकिंग से भी सीड थोड़ा दब जाता है, और जब आप उसको स्प्राउटिंग करने के लिए जाते हैं तो उस वक्त भी वही इशू हो जाता है कि वो चिपचिपा बन जाता है। तीसरा बात यह है कि जब आप सीड को ट्रे पे डाल देते हैं या फिर उसको गनी बैग्स में डालते हैं, तो आपको कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। जो आप सीड्स ले रहे हो, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप गनी बैग्स में उसको डाल रहे हैं या कपड़े में डाल रहे, बोरी बना रहे, तो वो 4-5 किलो से ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। कोई लोग क्या करते हैं कि एक गनी बैग्स में 15-20 किलो सीड्स दबा के रखते हैं उसको स्प्राउटिंग के लिए, तो होता क्या है, जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है ना सीड्स का, उधर तक पानी नहीं जाता है। तो जब आप स्प्राउटिंग का काम करते हैं ना, तो उस वक्त आपको दिन में 2-3 बार उसको अच्छा तरीके से भिगाना पड़ता है बाय वाटर। अगर वो सही तरीके से अगर आप पानी से उसको नहीं भिगाएंगे, उसको वाटरिंग नहीं करेंगे, तो उसमें वो चिपचिपा आने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि कुछ पार्ट में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, कुछ पार्ट में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो ड्यू टू दैट टेम्परेचर डिफरेंस सीड आपका चिपचिपा होने का चांसेस है। तो आपको क्या करना है, अगर गनी बैग्स में अगर आप सीड डाल रहे हैं तो उस वक्त आपको सीड का क्वांटिटी इट शुड नॉट बी मोर देन 5 kg, ठीक है। अगर आप सीड ट्रे पे डाल रहे हैं, कोई अगर कोई दूसरा मटेरियल है, तो एक आपको चीज़ ध्यान में रखना है कि सीड्स का जो है ना ज़्यादा सैचुरेशन नहीं करना है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उसको ग्रुप करके ऐसे नहीं रखना है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में सीड रखेंगे ना, तो सेंटर पॉइंट में क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो चिपचिपा आ जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर ट्रे पे भी अगर आपको स्प्राउट करना है, तो उसका लेयर 1-1.5 इंच से या 2 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब जाके आपका सीड का स्प्राउटिंग अच्छा हो जाता है। और दूसरी चीज़ है, अगर आप गनी बैग में या ट्रे पे अगर आप स्प्राउटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको आपको कुछ घंटों के बाद थोड़ा रीशफल करना है। मतलब जो सीड्स है एक ही गनी बैग में या ट्रे पे डाल रहे हैं, तो उसको थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो क्या उसका लोकेशन चेंज हो जाता है। अगर एक ही जगह पे अगर आप वो सीड्स रखेंगे ना, तो वो उसका एक लोकेशन में टेम्परेचर बढ़ के क्या हो जाता है, वो चिपचिपा होना चालू हो जाता है। चिपचिपा का मतलब ये है कि वो ऑलमोस्ट वो सड़ना चालू हो जाता है। तो ये चीज़ें है आपको ध्यान में रखना है। तो 2-3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ओवर सोकिंग नहीं होना चाहिए, सीड का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट है आपका
कि जो स्प्राउटिंग के लिए जब आप सीड्स ट्रे पे या गनी बैग्स में डाल रहे हैं तो उसको दिन में 2 या 3 बार अच्छा तरीके से पानी मारना है। अगर पानी थोड़ा कोई जगह पे कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके वजह से भी क्या हो जाता है कि आपका सीड का टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो आपका स्टिकी हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ों को आपको फोकस करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपका सीड्स उस वक्त नहीं सड़ेगा, क्योंकि मोस्टली 90% लोगों को ये मालूम नहीं है कि उसको स्प्राउट कैसा करना है। होप मुझे ऐसा लगता है अगर ये फॉलो करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। लगता है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन फ़ायदेमंद रहेगा। और एक चीज़ है, बहुत से लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, उनको ये इश्यूज आते हैं, तो यू शुड शेयर दिस वीडियो टू दोज। इसको लाइक करिए और जो लोग इसमें प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनको ये रिकमेंड करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए बाय।